अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक मेरी बहन। मैं पहले ड्रामे नहीं देखती थी और मुझे शौक भी नहीं था। अच्छा? जब से मैंने आपका मूसा ड्रामा देखा ना, मुझे ड्रामे अच्छे लगने लगे। क्या बात है सरदार साहब, भी पहले ड्रामे नहीं देखते, जो हाफ टाइम तो इन्होंने बोतल विकन लगी ना उदों तो वेखन लगे। क्या नाम है आपका? सफीना। सफीना क्या कहना चाहती है? भाई मेरे पास एक बेटा था, मुझे अल्लाह से ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे दूसरा बेटा देगा तो मैं उसका नाम मूसा रखूंगी। अच्छा, वो सेम आपकी तरह है। अरे क्या बात, तुम्हें क्या नाम रखा आपने? मूसा। अरे मूसा। और मैम के लिए मेरी बेटी है किंजा, और मैम की शक्ल की है, मैं तब से यही देखी जा रही हूँ, अगर मेरी बेटी यहाँ तक पहुँचे तो वो भी सेम ऐसे लगे। अरे इंशाल्लाह, दुआ है हमारी। आमीन। मोमल बनना एक मुश्किल बात है, इसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। अगर आप अपनी बेटी को मेहनत सिखाएंगी तो वो यहां तक जरूर पहुंचेगी। और मेरे शौहर जो है ना वो गाना गाएंगे। अच्छा, गाना गाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सुनाइए सर। सर मैं मैडम नूरजहां की गजल है उसके चंद अशआर हैं, मैम को डेडिकेट करना चाहता हूं। जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है, जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है, क्या मैं पत्थर हूँ जो कदमों में सदा रखा है। बहुत अच्छे। मैंने रखा है फकत अपनी मोहब्बत का भरम, वरना हर जाए तेरे प्यार में क्या रखा है। पलकों से चुना, लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अहमद एहसास। क्या खूबसूरत नाम है, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक गजल जो है वो मोबाइल मैडम के लिए बिल्कुल मैं चाहूंगा। हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं। आए क्या अंदाजे बयान लगेगा भाई। हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं। आए तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं। और एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें, होश वालों के सभी होश ठिकाने लग जाएं। मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा अंदाजे बयां है साहब। साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये छोटे बाल सूट करते हैं। आपको बहुत सूट कर रहे हैं। क्या बात है, वेरी स्टाइलिश। नाम बताइए सर अपना। उसामा मलिक। उसामा साहब क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। बेसिकली ये एक किताब है जो कि हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम, जिसमें जवेद शेख साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, उन पर एक किताब लिखी, उनकी हालात ज़िंदगी, उनके काम पर मेरे अंकल ने, अर्शद साहब ने, छोटी सी काविश है जो कि मैं आपकी अर्ज करना चाहता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, लेके आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है, मेरे हीरोज हैं इसमें यार। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या कहना चाहते हैं? कुछ अशआर कहना चाहूँगा। कहिए। डेढ़ कमरे की एक दुनिया में एक बिस्तर है, कुछ किताबें हैं, आने जाने का एक दरवाज़ा, खैर आता भी कौन है घर में, नाम लेवा रफाकतों के अमीन, दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ नए और कुछ पुराने यार, लाओ बाली से चार छः शायर, एक जहनी मरीज़ा कत्ताला, कुछ ख्वातीन जिनका जिक्र नहीं, खैर मुझको भी कोई फिक्र नहीं, आए जाए कोई बला से मेरी, दोस्ती हो गई कज़ा से मेरी, अब यही तौर चाहिए मुझको, चाहे एक और चाहिए मुझको। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ये ना करो, थैंक यू, थैंक यू। जी क्या बात है इमरान भाई, इन्होंने पलावाल क्यों कटाए ने? क्यों जर्सी जो सिर नहीं सी लंघता
जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? सादिया। क्या कहना चाहती हैं? मेरा मिस मोमल से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। जी जी कीजिए। मिस मोमल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ एंड रिलेट इट विद वन वर्ड? लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ इज ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दिलो जान से मोमल, दिलो जान से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोमल के लिए। तालियां। मेरी आपके लिए दुआ है, खुदा करे कि जिंदगी में कभी भी आपकी आंख में आंसू ना आए और आप ऐसी ही पॉजिटिव रहें। आमीन। ऐसी रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।